हेलो एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें तो अपने पास एक ऐसा पेज रखें जिस पर सारे के सारे उस चैप्टर के फॉर्मूलेस लिखे हों, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए बार बार पीछे पेज ना पलटना पड़े। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पैरल्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2×10⁻¹ कूलाम एंड 3×10⁻¹ कूलाम प्लेस 30 cm अपार्ट इन एयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो चार्जेस दे रखे हैं स्पेरिकल शेप में, और उनके हमें Q1 Q2 हमें उनके चार्जेस का वो दे रखा है मैग्नीट्यूड। तो अब हमें निकालना है कि उन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा, और हमको उनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ट्राई करो कि हर क्वेश्चन का आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकें। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने से तुम्हें दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा, और दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन एग्जामिनर को समझ में आएगा, कि एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे को आता है और उसने ये किया होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम दो चार्जेस बनाते हैं, एक Q1 चार्ज ये गया और एक Q2 चार्ज ये गया। हमें पता है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 cm, और Q1 चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड पता है, Q2 चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड पता है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखना है कि हमको इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमको दे रखा है Q1 चार्ज कितना है, 2×10⁻¹ कूलाम। Q2 चार्ज कितना है, 3×10⁻¹ कूलाम। R हमें दे रखी है 30 cm, उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे 0.3 meter। सो हमको पता है कि कूलाम लॉ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लास्ट वीडियोस में, नोट्स की वीडियोस में कूलाम लॉ दे रखा है। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एप्श्योर एक विश्वास, वहां पे आपको समझ आएगा कि कूलाम लॉ ने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K हमारा एक कांस्टेंट था, Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फर्स्ट, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेकंड, एंड R इज द रेडियस। तो इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे इसमें डायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ क्या है फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/4πε₀ × εr, जहाँ पे ε₀ परमिटिविटी, εr रिलेटिव परमिटिविटी। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, अपार्ट इन एयर, यानी कि वो जो हमारे चार्जेस हैं कहाँ पर हैं, एयर पर, एयर में है। तो एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 1/4πε₀। हमने उसकी वैल्यू पढ़ी है कि 1/4πε₀ की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁹ Q1 हमारा क्या दे रखा है, 2×10⁻¹। Q2 हमको क्या दे रखा है, 3×10⁻¹ अपॉन R स्क्वायर, बोले तो 0.3×0.3। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 6×10⁻³ न्यूटन। अब हमको अगर आप ये हमारा आंसर हो गया, अगर आपको एग्जामिनर को खुश करना है तो आपको ये भी बताना होगा कि ये किस टाइप की फोर्स है। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q1 Q2, और उनके सामने किसका साइन है, पॉजिटिव साइन है, यानी कि पॉजिटिव हैं दोनों।
अब हमको ये भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव उन दोनों के बीच में कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स। तो एंड में आप लिख देना द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 6 × 10⁻³ न्यूटन एंड आर रिपल्सिव इन नेचर। सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको विजुलाइजेशन में हेल्प हो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमको दो स्पेयर दे रखे हैं, एक स्पेयर ये गया और एक स्पेयर ये गया। हमें दोनों स्पेयर के क्या दे रखे हैं, चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2। सपोज करते हैं 0.4 माइक्रोकूलम और इक्वल्स टू -0.8 माइक्रोकूलम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव। तो हमारी फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब हमको दे रखा है कि फोर्स हमारी कितनी दे रखी है, 0.2 न्यूटन हमको इनकी फोर्स दे रखी है। अब हमको क्या निकालना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये जो स्पेयर्स हैं उनको पॉइंट चार्ज मानना होगा, ताकि उनके सेंटर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम पता कर सकें। तो हम इनको एज अ पॉइंट चार्ज लेते हुए फिर क्वेश्चन में लिखते हैं दोबारा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही है, बस उसमें हमने फोर्स निकाली थी, इसमें डिस्टेंस निकालनी है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स हमको दे रखी है, आर निकालना है तो आर स्क्वायर इधर करते हैं, के Q1 Q2 अपॉन फोर्स। इनके हम वैल्यूज रखते हैं, जो हमारी के की वैल्यू है लास्ट क्वेश्चन की तरह 1/4πε₀εr, जहाँ पे ये रिलेटिव परमिटिविटी है। क्वेश्चन में फिर से कहा गया है कि इज इन एयर, जो चार्जेस हैं वो एयर है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 1। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/4πε₀ इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में जो कूलाम चार्जेस दे रखे हैं वो हमको माइक्रोकूलाम में दे रखे हैं। तो हमारा 1 μC इक्वल्स टू 10⁻¹ कूलाम, तो उसकी जगह हम वैल्यूज रखेंगे 0.4 × 10⁻¹ इंटू 0.8 × 10⁻¹। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.12 मीटर आर की वैल्यू, जो कि हो जाएगी हमारी 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे आर निकाल लिया, सेकेंड पार्ट भी है हमारा इसका। सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर। अब हमको हमें फोर्स बतानी है सेकेंड स्पेयर पे ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर, जो हम क्वेश्चन में दिया था, मतलब ये हमारे Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो हमें फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर बाय 1 हमें निकालना है। अब ये हमको क्या निकालना है, फोर्स ऑन सेकेंड बाय 1। अब हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा कि फोर्स इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। हमारा जो फोर्स ये दे रहा होगा वही फोर्स ये दे रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वी फाइंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सो एफ ऑन 1/2 इक्वल्स टू एफ ऑन 2/1 इक्वल्स टू गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। सो हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सो नाउ हियर इज द थर्ड क्वेश्चन दैट सेज
चेक द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस. हमको ये प्रूफ करना है कि जो गिवन रेशियो है वो हमारा क्या है, डायमेंशन लेस, और अदर वर्ड्स में कहें तो इसकी कोई यूनिट नहीं है. और आगे है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. वॉट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज. तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये हमारा डायमेंशन लेस है और अदर वर्ड्स में कहें तो इसकी कोई यूनिट नहीं है. तो डायमेंशंस निकालने के तरीके के लिए एक वीडियो आपको पहले देखनी होगी, वो वीडियो इसी चैनल पर है एब्श्योर एक विश्वास, उस पर डायमेंशंस निकालना आप सीख जाएंगे और मैं श्योर हूँ 100% आपको समझ में आएगा. वो लिंक उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो हम वहां से डायमेंशंस निकालना सीखेंगे. डायरेक्टली मैं आपको ओवरऑल जल्दी जल्दी बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट. तो हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. वहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू. डायरेक्टली हम देखें फोर्स की हमारी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर की मीटर स्क्वायर और क्यू वन क्यू टू की कूलाम स्क्वायर. और डायरेक्टली हम उसे यूनिट से हम उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली है एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू. वैसे ही डायमेंशन ऑफ ई, ई के हमें पता है यूनिट कूलाम होती है, कूलाम स्क्वायर. यूनिट से डायरेक्टली हम डायमेंशन निकाल सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर. डायमेंशन ऑफ जी, जी का हमें फॉर्मूला पता है एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. जहां से हम जी की वैल्यू निकालेंगे एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू. तो हम यहाँ डायरेक्टली यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू. वहीं पर हमें क्वेश्चन में और भी है एम ई एम पी जो हमारा किलोग्राम है यूनिट, और डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर. तो हमको अब क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ गिवन रेशियो, डायमेंशन ऑफ गिवन रेशियो. अब रेशियो हमको क्या दे रखा है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. के की हमने डायमेंशन क्या निकाली, एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू होल स्क्वायर. ई की हमारी क्या आ गई, ए स्क्वायर टी स्क्वायर. और हमारी जी की क्या है, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू. और हमारी एम ई एम पी की एम स्क्वायर. हम देखेंगे कि ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, एक एक ये हमारा एल क्यूब से डायरेक्टली एल क्यूब कैंसिल, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी माइनस टू, ये माइनस फोर से कैंसिल और ये इससे कैंसिल. तो हमारी क्या आ रही है, नो डायमेंशन. अगर दूसरे तरीके से भी करना है आप डायरेक्टली यूनिट्स को रखकर भी कर सकते हैं. जहां पे हमने डायमेंशन रखी है वहीं सिमिलरली इन यूनिट्स को रखोगे तो सारी यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी. देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगी, कूलाम ये कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर हमारे न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. तो हमारी लास्ट में क्या बचेगी, नो यूनिट. नो यूनिट बोले तो नो डायमेंशन. तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हमको क्या दे रखा है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. अब हमें क्या करना है, इसी रेशियो में हमें इन कॉन्स्टेंट्स की सबकी वैल्यू रखनी है और हमको इसकी क्या निकालनी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है. तो हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं सारी. के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻¹. ई की हमारी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ के जी. और हमको और क्या दे रखा है, जी, जी की हमको वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻¹⁹. और हमको क्या दे रखा है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 × 10⁻³¹. मास ऑफ प्रोटॉन एम पी 1.66 × 10⁻²¹. वही हमें डायमेंशन, मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो हमको रेशियो दे रखा है, गिवन रेशियो. अब हमें इस रेशियो में क्या वैल्यूज पुट करनी है, तो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी. K की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹, E स्क्वायर 1.6 × −19 × 10⁻¹⁹ अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 × 10⁻¹⁹. एम ई हमारा 9.1 × 10⁻³¹ और एम पी 1.6
66 into 10 to the power minus 27। तो ये हो गया, हमने सारी वैल्यूज रख ली, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.287 into 10 to the power 39। तो ये हमारा क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल पार्ट जो हमें क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा था। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, तो हमें ये बताना है कि रेशियो क्या बताता है। तो सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमें इतना तो पता चल गया ये रिलेशन किसके बीच में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रेशियो है। के हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम सिंपली लिख सकते कि ये रेशियो हमको क्या बता रहा है, दिस रेशियो सिग्निफाइज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटोन। हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन ये गया एक प्रोटोन ये गया, हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का हमको क्या ये गिवन है, रेशियो। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दिस रेशियो सिग्निफाइज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन। क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन तीन पार्ट में पूछा था, डायमेंशन निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू और सिग्निफाइज क्या करता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, पर हमें क्या मेहनत ज्यादा करनी थी इस क्वेश्चन में, पहले डायमेंशन निकालो, वैल्यूज पुट करो, पहले उसे डायमेंशन लेस प्रूव करो, फिर हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, फिर उसका सिग्निफिकेशन बताना है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, और बी पार्ट है इसका, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वन डीलिंग विद अ मैक्रोस्कोपिक जेट लार्ज स्केल चार्जेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, उसमें उसने पूछा मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज, हमें बताना है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है बॉडी में वो हमारा क्या है, क्वांटाइज। तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज वर्ड का हमें मीनिंग समझना होगा। तो क्वांटाइजेशन मतलब होता है इन पार्ट्स, नॉर्मल जनरली अगर हम देखें तो उसका मीनिंग होता है इन पार्ट्स, और बोले तो नॉट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस ना हो, नॉट कंटिन्यूअस। जैसे हमारा क्वांटाइजेशन मतलब अलग अलग पार्ट्स में गिवन हो हमें कोई कंटिन्यूअस, जैसे पानी बह रहा है, पानी कंटिन्यूअस बह रहा है, वो हमारा क्वांटाइजेशन नहीं है, वो हमारे इन पार्ट्स में नहीं है। वहीं हम बॉक्सेस देखें, बॉक्सेस अलग अलग रखे हुए हैं तो वो हमारे क्या है, पार्ट्स में है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो हमारे क्या है, क्वांटाइज। अगर हम चार्जेस के लिए बात करें तो फॉर चार्जेस, फॉर एवरी चार्जेस, फॉर चार्जेस एवरी चार्ज इज एक्सप्रेस, फॉर चार्जेस एवरी चार्ज इज एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। हमारे बॉडी में कोई कितने भी चार्ज होते तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको मीनिंग क्या हो गई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा q इक्वल्स टू एनी प्लस माइनस एनी, जहाँ पे n क्या है हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी चार्जेस। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, क्या एक फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज क्यों है, देखो हम फंडामेंटल उसी को कहेंगे जो हमारा एक बेसिक यूनिट होता है, जैसे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल एक बेसिक यूनिट होता है,
वैसे ही हमारे जो मैटर वगैरह होते हैं उनके बेसिक यूनिट एटम या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी बॉडी के फंडामेंटल चार्ज अगर हम बोलें तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि छोटे से छोटा चार्ज जो भी हम उस बॉडी को दे सकते हैं या उस बॉडी से ले सकते हैं वो हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज बनाने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे या फिर रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे उसको नेगेटिव चार्ज देने के लिए, वहीं पे हम उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या फिर चार्ज बढ़ जाएगा बोले तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो वही हमारा क्या हो गया, तो ये हमने रिलेशन पढ़ा था क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, जहाँ पे हमारा क्यू जो है वो क्या कहते हैं, जो क्यू है वो हमारा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, किसके इंटीग्रल मल्टीपल है, वेयर एन इज इंटीग्रल मल्टीपल, जहाँ पे एन हमारा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, इसीलिए हमारा क्या है, बॉडी क्वांटाइज। तो हमारा ए पार्ट समझ में आया, यही हमारा सेकेंड पार्ट है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with a macroscopic is that large scale charges। अब हमको क्या है, बी पार्ट हमको है कि बी पार्ट में हमको पूछा है कि हम क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर कर देते जब हम लार्ज स्केल बॉडी या लार्ज बॉडीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस, मैक्रोस्कोपिक यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। हमें पता है जो लास्ट वाले उसमें पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पे ऐड करो या फिर रिमूव करो तो हमारा क्या बन जाता है, एक चार्ज बॉडी बन जाती है, और चार्ज बॉडी वो हमारे क्या होती है, क्यू अपॉन ई, जो हमारा एन हमने यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से एन निकाला, क्यू अपॉन ई। तो हम जो नंबर कितने भी नंबर दे रहे हैं, कितने भी नंबर ले रहे हैं, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्यू अपॉन ई से। तो अब हमको पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹। सिंपल सी बात है, हम Q की जगह कुछ भी रखें, कोई भी बड़ी वैल्यू रखें या कोई भी छोटी वैल्यू रखें, इस पूरे की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, एक इंटीजर को डिनोट करेगी। आप इस वैल्यू को सबसे छोटा करने के लिए हम Q की वैल्यू सबसे बड़ी रखेंगे, सपोज करते हैं हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम Q की वैल्यू क्या रख देते हैं, 16। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू 16 रखते हैं, 16 upon 1.6 × 10⁻¹⁹। हम इस वैल्यू को छोड़ते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। नोटिस करा आपने कि ये हमारी कितनी वैल्यू है, 1 upon 10 × 10⁻¹⁹। तो अगर हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली 1.6 × 10⁻¹⁹, ये वैल्यू कुछ भी हो, प्लस माइनस डिवाइड करने पे कितनी भी छोटी क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, वो अप्रोक्सीमेटली इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे एक बड़ी वैल्यू ही निकलेगी, और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज टू इंटीजर। हमारी इतनी वैल्यू निकलेगी जो हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, इंटीजर के इक्वल, या फिर इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो वहीं जहाँ पे हम माइक्रोस्कोपी के लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस की बातें करते तो हम इस क्वांटाइजेशन वाले पार्ट को छोड़ देते, क्योंकि हमारा जो भी हमारा वैल्यू आती है वो हमारे इंटीजर के क्लोज आती है, तो इस क्वांटाइजेशन को हमें कहाँ तक ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ changes appear on both sides. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. हम लोगों ने law of conservation of energy पढ़ा है. Similarly, एक होता है law of conservation of charges. According to this, the charges can neither be created नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और उनको ना वो बनाए जा सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, बट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर।
सो हमको पता है कि चार्जेस हमारे बन नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, पर हमारे क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकते हैं। अब हमें यही चीज, हमको ये प्रूफ करनी है कि ग्लास टॉप को जब हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो यही चीज हमारी क्या होती है, फॉलो। तो सपोज करते हैं ये ग्लास रॉड है हमारा और ये सिल्क क्लॉथ है, और ये क्या है हमारा, ग्लास रॉड। जब इनको हम रब करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से हमारे कुछ चार्जेस इस ट्रांसफर हो जाएंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो हमारा ये जो सपोज करो सिल्क क्लॉथ हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में। ये कॉन्सेप्ट आप थ्योरी में जाके समझोगे, थ्योरी हमको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा कौन कौन सी है। तो हमारा सपोज करो यहाँ पे प्लस की चार्ज आता है और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आता है। इनिशियल स्टेट में देखते हैं हम, इनिशियल स्टेट में पूरे कंबाइंड को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, जीरो चार्जेस थे, कोई भी चार्जेस, मतलब जो भी हमारा था कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, जो था पहले से सही सलामत था। फाइनल स्टेट में जब हमने इनकी रबिंग करी, फ्रिक्शन हुआ, तो फाइनल स्टेट में देखेंगे कि हमारा जो चार्जेस नेट चार्ज है यहाँ से प्लस क्यू था तो प्लस क्यू लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे कितना क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया, तो हमारे क्या हो गया, जीरो। आप देखोगे इनिशियल नेट चार्ज और फाइनल नेट चार्ज क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सिंपल सी बात है, कोई चीज बनी नहीं, कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई, कुछ बढ़ा नहीं ना कुछ कम हुआ, तो हमारा क्या है, हम सिंपल बोल सकते जो पहले था वही है, बस ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से पूरे बॉडी में, हम ट्रांसफर किया है। तो ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एप्शोर एक विश्वास एंड प्रेस द बेल आइकन।